अस्सलाम वालेकुम, आज कराची में खुश आमदीद। जैसा कि आपको मालूम है कि कराची में अभी भी जो है ये कॉजवे पे काम हुआ था दो दिन पहले, उसके बाद ये आज अचानक ही 5 सितंबर सुबह तकरीबन 9 बजे का टाइम है और ये नदी जो है ओवरफ्लो हो चुकी है और बेतहाशा तेज़ भाव के साथ पानी जा रहा है। इवन ये कि बाइक्स वाले बिल्कुल भी नहीं जा सकते, बड़ी गाड़ी वाले भी नहीं जा सकते, तो ये रास्ता फ़िलहाल दोबारा से एक बार जो है बंद कर दिया गया है ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पे। लोग अपने जॉब्स पे जाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन यही है कि रिटर्न हो रहे हैं वापस, क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 2 से 2.5 फीट पानी है और दोनों नदियाँ तरफ खुल रहे हैं। आप देख सकते हो तरफ पे भी लोग इंतज़ार में हैं, लेकिन कोई ऐसी तबील नहीं है कि ये पानी कम होगा, लिहाजा ये है कि यहाँ से जो आने वाले लोग हैं वो मतबादल रास्ता अख्तियार कर, जो कि जाम साजिक की तरफ है, और वहाँ से जा सकते हैं आप, शाहपैसल से जा सकते हैं। लेकिन ये एक मैं आपको बताऊं कि अभी बहुत इस पर ठीक ठाक काम किया था इस कॉजवे पे, इस नदी पे, कि जो रोड्स बह गई थी वो विद इन अ डे इन लोगों ने सही करी थी, सब जो पोल्स गिर गए थे वो भी सब साइड लाइन करे थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये दोबारा से ओवरफ्लो हुआ, तो जाहिर सी बात है दोबारा से सारे काम इनको करना पड़ेंगे। कुछ नहीं पता है कितने दिन तक कर लिए रहें, तो लिहाजा एहतियात कीजिए, यहाँ से आने से फेस करें और अपना टाइम भी बचाएं, क्योंकि खाली ये नहीं है कि पानी बहुत ज़्यादा है, बहुत स्पीड में है पानी, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक फ्लो है पानी का, जिसकी वजह से भी एक भाई थे यहाँ पर जो बाइक ले जाने की कोशिश कर रहे थे, वो भी बहते बहते बचे, उनको लोगों ने रेस्क्यू किया, ये सारे भाई हैं जिन्होंने उनको रेस्क्यू किया। ये हैं वो कराची के लोग जो रोज़ सुबह घरों से निकलते हैं, मेरे ख्याल से सिर्फ ख्वार होने के लिए, जॉब पे जाने के लिए निकलते हैं लेकिन यहाँ पर जहरीले ख्वार होते हैं रोड्स पे इसी तरीके से। बहरहाल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आज कराची देखते रहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद।